भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में खेली गई भारत बनाम इंग्लैंड के बीच T20 और वनडे सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखाया। विराट कोहली के बल्ले से पूरे ही दौरे में रन ही नहीं निकले। विराट के करियर में ऐसा पहली बार हुआ जब बल्लेबाज ने पूरी ही सीरीज में एक भी पारी में 20 से ज़्यादा का स्कोर नहीं बनाया। विराट कोहली ने जहां T20 सीरीज में 12 तो वहीं वनडे सीरीज में भी मात्र 33 ही रन बनाए। विराट कोहली की पिछली 5 वनडे पारियों की बात करें तो बल्लेबाज ने कुल 12.1 की औसत से 61 रन ही बनाए हैं। विराट कोहली के वनडे करियर में भी ये ऐसा पहली बार हुआ है जब बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में एक बार भी 20 रनों के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। विराट कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे और T20 श्रृंखला पर भी आराम दिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब शायद विराट कोहली अगस्त महीने में खेले जाने वाले एशिया कप में ही भारतीय टीम में वापसी करते दिखाई देंगे। लेकिन अब चयनकर्ताओं ने विराट की फॉर्म वापस हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। जिम्बाब्वे दौरा करेंगे विराट कोहली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिम्बाब्वे के विरुद्ध 18 अगस्त से खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। चयनकर्ताओं की माने तो विराट कोहली की फॉर्म वापस पाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें वनडे प्रारूप में खेलने का मौका मिले। विराट कोहली को वेस्टइंडीज दौरे पर आराम दिया जा रहा है, इसलिए चयनकर्ताओं को ये उम्मीद है कि कोहली ब्रेक के बाद कुछ बेहतर महसूस करेंगे। एशिया कप से पहले विराट का फॉर्म वापस पाने के लिए जिम्बाब्वे दौरा काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चयनकर्ताओं ने सुनाया अपना फैसला। विराट कोहली के बारे में बात करते हुए सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य ने कहा, उम्मीद है कि ब्रेक उन्हें मानसिक रूप से फिर से जीवंत करने और अपनी फॉर्म वापस पाने की अनुमति देगा, लेकिन बिना किसी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के ये मुश्किल होगा और इसलिए हम चाहते हैं कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले। ये उनका पसंदीदा प्रारूप है और इससे उन्हें एशिया कप से पहले अपनी फॉर्म हासिल करने में मदद मिलेगी। हम चयन के करीब अंतिम निर्णय लेंगे। 9 साल बाद करेंगे जिम्बाब्वे दौरा। विराट कोहली 9 साल बाद जिम्बाब्वे दौरा करेंगे। विराट कोहली आखिरी बार जिम्बाब्वे दौरे पर साल 2013 में बतौर कप्तान गए थे, जहां टीम इंडिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी। इस दौरे पर कोहली के बल्ले से बतौर कप्तान पहली बार शतक भी निकला था। विराट कोहली के जिम्बाब्वे के खिलाफ आंकड़ों की बात करें तो बल्लेबाज ने इस टीम के खिलाफ अब तक 8 मुकाबले खेले हैं। 8 मैचों की 6 पारियों में विराट ने 87 के दमदार स्ट्राइक रेट के साथ कुल 253 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक भी निकला है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विराट कोहली को जिम्बाब्वे दौरे पर भेजा जाता है या फिर विराट कोहली नीली जर्सी पहने एशिया कप में ही टीम इंडिया के लिए वापसी करते दिखाई देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।